हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूँ हर्षा और सीए कोर्स के बारे में आज ढेर सारी बातें कर रहे हैं हम श्री नीलेश विक्रमसी से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मुंबई में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म के सीनियर पार्टनर हैं। साथ साथ में वो सेबी और अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाओं के कई काउंसिल्स और कमिटीज में मेंबर्स हैं और काफी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी शामिल हैं। इनकी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के लिंक में डाली हुई है, डू चेक इट आउट। वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट नीलेश जी। हर्षा जी, बहुत बहुत आभार। आप जो काम कर रहे हैं दी लर्निंग प्रोजेक्ट में, बहुत बढ़िया काम है। बच्चों को मतलब अलग अलग ऑप्शंस क्या है वो दिखाने का, और मैं बहुत ही मतलब आपको भगवान बहुत ही वो देगा कि बच्चों को सही राह, जिसकी जो चॉइस है कि क्या चॉइसेस अवेलेबल है, वो डायरेक्शन में ले जाने से। तो बहुत बहुत आभार आपका। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग हमारे लिए जब वक्त निकालते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है, वो जो आगे जाके उनको बहुत काम आती है। तो नीलेश जी, मेरा पहला सवाल है कि कोई स्टूडेंट सीए क्यों चूज करेगा ओवर लेट्स से अ सीएफए और एमबीए इन फिनेंस और इन्वेस्टमेंट? हर्षद जी, देखो, जो बच्चे लोगों के आज जनरली अपने अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, अभी आजकल तो और भी काफी सारे कोर्सेज बन रहे हैं, पर जो भी बच्चा कॉमर्स ले रहा है उसके लिए तो एकदम ही गिवन है, मैं सुझाव करूंगा कि सीए तो करे ही करे। एमबीए की अपनी एक लेवल है, अप्रिसिएशन है, सीएफए की एक है, पर जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है उसके लिए मेरे हिसाब से सीए तो एकदम मिनिमम मस्ट है। बिकॉज सीए क्या, एक ऑलराउंड कोर्स है, और जो आप बीकॉम के साथ कर सकते हो, आप पहले एसवाई बीकॉम के साथ में जो आर्टिकलशिप है एसवाई बीकॉम से स्टार्ट हो सकती है, और बीकॉम के बाद में 1.5-2 साल के बाद में कोई सीए बन सकता है, एक प्रोफेशनल बन सकता है, और एक ऑलराउंड इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो भी इंडिया में रहना चाहता है। और स्पेशली अपनी जो गर्ल स्टूडेंट है, जो बच्चियां हैं, उसके लिए तो बेस्ट कोर्स है। कारण क्या, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सीए बनने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम काम करना है, तो बच्चियों के लिए तो सबसे अच्छा कोर्स है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आगे होती है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी ये आप काम कर सकते हो, आपकी जो स्किल्स है उसके आप होन कर सकते हो। तो बहुत ही, जो कॉमर्स ले रहे हैं उसके लिए अच्छा है, जो बच्चे साइंस ले रहे हैं उसके लिए भी ठीक है, जिसको मेडिकल बनना है, इंजीनियर बनना है, करते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर समझो वो जो लेवल में नहीं ला सकते जिसके लिए मतलब जिसमें जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे काफी ऐसे बच्चे हैं कि जो 12th में साइंस लेने के बाद में दे आर नॉट बीन एबल टू प्रोग्रेस इन इंजीनियरिंग और इन मेडिकल, वो भी बहुत ही अच्छी तरह सीए कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि 11वीं 12वीं में अकाउंट्स नहीं है, उनका मैथमेटिक्स का बेस इतना अच्छा है, अकाउंट्स में और थोड़ी तैयारी करके वो सीए भी अच्छे बनते हैं, जो साइंस के बच्चे भी 12वीं के बाद में उनको जो लाइन में जाना है हो सकता है तो अच्छा ही है, नहीं हो तो सीए इज अ गुड ऑप्शन फॉर दी स्टूडेंट्स फॉर टेकन साइंस ऑल्सो एंड लुकिंग फॉर अ गुड प्रोफेशनल कोर्स। तो जब स्किल्स की बात होती है तो कौन से ऐसे स्किल्स जरूरी होते हैं, कैसी पर्सनालिटी डिस्पोजिशन जरूरी होती है एक सीए बनने के लिए और सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के लिए? हमने देखा है हमारे कोर्स में एक जो सबसे बड़ी जो स्किल चाहिए वो, और जो एटीट्यूड चाहिए, वो हार्डवर्क की है। आज इंटेलिजेंस, आई थिंक इंटेलिजेंस है तो अच्छा ही है, मतलब कोई 95-100% वाले बच्चे आते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं, बट आज जो समझो 65-70-75% वाले जो परसेंटेज वाले बच्चे हैं जो कॉमर्स में या और किसी स्ट्रीम में, वो भी हमारे इसमें आते हैं तो वो पास होते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा एक है हार्डवर्क का, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, परसिस्टेंस, और थोड़ी मेहनत, तो हार्डवर्क इज मेहनत ओनली, और परसिस्टेंस भी चाहिए। एक हमारे कोर्स में थोड़ा फियर होता है बच्चों का फेलियर का, मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि फेलियर में कोई बड़ी बात, मैं खुद फेल हुआ, मैं पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर हूँ, मैं एक बैंक का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, मैं इंटरमीडिएट में फेल हुआ हमारे सीए के एग्जाम में, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था हमारे टाइम पे 10th में 12th में, बट उससे कोई मतलब फर्क नहीं गिरता। हाँ, एक उससे डिटर्मिनेशन आनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए फेलियर के बाद में, कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सुधार करना है, और फिर एक डिटर्मिनेशन आना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा ये। तो वो एक फेलियर इज, वो अर्ली इन लाइफ अगर फेलियर आता है तो बहुत ही अच्छा, लाइफ अपनी उतार चढ़ाव की होती है, अपने देखा है जैसे हम बड़े बनते हैं, तो एक जो फेलियर से फेस करने का, और नेगेटिव नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन माई व्यू, कि फेलियर जल्दी जितना फेस हो तो लाइफ में अपने को इतना और फिर
फिर आगे तो कोई मतलब रुकावट ही नहीं होती है, फेलियर इज नो ओके, वो तो आती है। जैसे हम बच्चे होते हैं, हम कितने टाइम गिरते हैं और फिर अपन चलना सीखते हैं, तभी अपन कभी रोते नहीं है, कुछ नहीं। कोई वाय आज एक बहुत ज्यादा फियर है बच्चों में कि मैं फेल होगा तो क्या होगा, आज किसी को कोई पड़ी नहीं है। मैं फेल हूँ आज कोई किसने ये नहीं किया, मैं सीए बन गया, मेरी तरक्की के ऊपर तरक्की करते गया, किसी ने पूछा नहीं सीए कितने अटेम्प्ट में हुआ या क्या हुआ, कितने आप फेल हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए, उसका कोई मायने नहीं रखता। एक जोक होता है कि औरत से अपनी एज और सीए से अपने अटेम्प्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। सो इंटेलिजेंस है तो अच्छा ही है, बट हार्डवर्क इज, आप इंटेलिजेंट भी हो और हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो नहीं चलेगा सीए में। आप इंटेलिजेंट भी हो तो भी हार्डवर्क तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा एक है जो सिर्फ सीए, आई थिंक बिकॉज इवन फॉर अ मेडिकल कोर्स और एन इंजीनियर कोर्स और व्हाट एवर इट इज, मेहनत तो हर जगह हमें करनी ही है। एब्सोल्युटली। एक दूसरा बच्चों को जनरली, नॉट ओनली सीए के लिए, बाकी कोई भी कोर्स के लिए, एक जो ये चीज है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, हाँ मोबाइल, ये बहुत अच्छी चीज है मतलब, पर इसकी लिमिटेड यूज, ये बहुत बड़ा एक टाइम वेस्टर है सबके लिए, वेदर इट इज इंटरनेट, यू नो अपने जो भी चीज गेमिंग है, ये है वो है। अब जब तक आप पढ़ाई कर रहे, जैसे मैं आई एम अ स्लेव ऑफ दिस, बिकॉज आज मेरे को सीए की या मेडिकल की इंजीनियर की एग्जाम नहीं देनी, पर किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम देनी है तो इसका बहुत लिमिटेड यूज होना चाहिए। जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं तो टाइम ही नहीं पता चलता कितना टाइम से चले गया, जो भी वेदर व्हाट्सएप मैसेजेस है या और कोई भी चीज हम इस पर कर रहे हैं। तो ये एक सभी बच्चों को सुझाव, कोई भी स्ट्रीम के हो, लिमिटेड यूज, नीड बेस्ड यूज, बाकी पढ़ाई के टाइम पे एकदम ये लॉक एंड की में होना चाहिए, पढ़ाई में अपने पास भी नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी, तो पढ़ाई के लिए इस पे इसका लॉक एंड की में रहना जरूरी है। लंच टाइम है, टी टाइम है, ब्रेक में आप जले ही देख लो जो इंपॉर्टेंट पे मैसेज वगैरह है। आइडियली अगर आप इसको अवॉइड कर सकते, 3-4 महीने तक जो पढ़ाई कर रहे हो उसको बंद ही कर दो, यूज मत करो। और कोई तो ये सभी कोर्स के लिए करेक्ट, दिस इज ट्रू फॉर एवरी ऑल अदर कोर्सेस। और कोई टिप्स आप देंगे खास करके जो इंटर्नशिप हमें करनी होती है, आर्टिकल्स करने होते हैं, उसके तहत कोई आप टिप्स देंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रैवर्स दिस कोर्स? मेरा एक बहुत बहुत बड़ा एक वो ये ख्याल है कि जो आर्टिकलशिप है वो ऑडिट में ही करनी चाहिए। अलग अलग स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, आप ऑडिट में करो, आप इनकम टैक्स में करो, आप फाइनेंस में करो, आप इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में करो, जो एक्सपीरियंस लेना होता है। बट मेरा बहुत क्लियर है कि सुझाव सजेशन कि भी आर्टिकल्स ऑडिट में ही करनी चाहिए, और उसके काफी कारण है, मैं बताऊंगा। ऑडिट में क्या होता है, एक तो आप आपकी बेसिक जो नॉलेज है अकाउंटिंग ऑडिट की वो आप फोन कर दो, वो एक बात है। उससे ज्यादा बात ये है कि आप अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग बिजनेस में जाते हो, अलग अलग सिस्टम्स होती है, जैसे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अलग होती है, कहीं पे टैली का यूज होता है, कहीं पे एसएपी का यूज होता है, कहीं पे ओरेकल, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, अलग अलग किस्म के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। कोई खराब लोग, मैं खराब बोलता हूँ इन द मीन नॉट खराब इन द खराब सेंस कि भाई को बहुत कोई टफ लोग है, कोई इजी लोग है, तो आपको कैसे उनके साथ डील करना वो एक तजुर्बा होता है। आपको काम भी पूरा करना है, एक टीम वर्क होता है। आप ऑडिट में जाते हो तो दो या दो जन, तीन जन, चार जन अगर साथ में जाते हो कोई बड़े एंटिटी में, तो टीम के साथ कैसे करना है, डेडलाइंस कैसे मीट करना है। तो बच्चों की जो बच्चे क्या है, सीए जो कर रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ, तो और ये क्या जो लर्निंग स्टेज है, तो जो ऑडिट में जो लर्निंग उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और वो जो नॉलेज मिलता है वो बहुत ही अच्छा ऑलराउंड नॉलेज मिलता है। इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, आरएनडी करते हो, कभी भी कर सकते हो, मैं नहीं बोलता, वो भी अच्छी चीज है, पर ये चीज आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है वो ऑडिट में करे तो वो बहुत ही मेरा यू नो। और मैं सबको ये बोलता हूँ, मेरे खुद के लड़के को, मेरे रिलेटिव्स को, जो भी सीए बने और जो भी मेरे को पूछता है, बोलता आप आर्टिकलशिप करनी है तो ऑडिट में ही करो, आपकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट होगी, बहुत ज्यादा नॉलेज। और क्या बच्चे स्पॉन्ज के जैसे एब्जॉर्ब करते जाते हैं, आज कौन सा बिजनेस कैसे मतलब चल रहा है, आप जो भी बिजनेस में जाते हो उसकी जो बारीकी है, एट अ यंग एज यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग, एक ऑलराउंड एक नॉलेज होता है रादर देन अ वेरी नैरो नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ऑडिट में ब्रॉड ऑलराउंड नॉलेज गेन होता है। राइट, सो वन ऑफ दोस कोर्सेज की जहां पे आपको एक्चुअली कोर्स करते करते भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। हाँ, और ये हमारे कोर्स की खूबी है, आज वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि कोर्स करते समय आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो। हम सब ने काफी सारे पिक्चर देखे, जैसे थ्री इडियट्स में बोलते हैं आप काबिल बनो। स्किल कैसा है, एक आप डिग्री लेते हो पढ़ाई करके तो उसमें नॉलेज नहीं आता है, नॉलेज सिर्फ स्किल से आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, तो मैं बहुत ही हुशियार था मैथमेटिक्स में, मेरे को 10th में तकरीबन 150 मार्क का दो हमारे पेपर थे, उसमें से 145 147 आए थे,
और ट्वेल्थ में भी 95 अप 100 में से मेरे को आए थे। आज मेरे को मैथमेटिक्स की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 30-40 साल से मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है नॉलेज का, उसी से नॉलेज अपने अंदर एम्बेड होती है। तो सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें आपका नॉलेज एम्बेड हो जाता है। लाइफ में कोई नॉलेज आपसे निकाल नहीं सकता है। जो बेसिक लेवल आप जो 3 साल आप जो आर्टिकलशिप करते हो और अच्छी तरह से करना, थोड़े बहुत लोग उसमें कंजूसी करना चाहते हो वो मत करना, इतनी मेहनत करना। सबसे ज्यादा फोकस सीए में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होना चाहिए। और मैं बच्चों को ये गारंटी देता हूँ, आज समझो आपने एकेडमिक्स थोड़ा कम ज्यादा ध्यान दिया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में पास हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अच्छी की है तो लाइफ में कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके पास जो अंदर जो नॉलेज होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, वो एम्बेड हो जाएगा। और आज मैं बोलता हूँ बहुत कम प्रतिशत मात्रा में लोग समझो पास नहीं होते हैं सीए में, तो वो पर आज सीए जिसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया उसको भी बहुत अच्छे जॉब मिल रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत है, अवेलेबिलिटी नहीं है। आज इंडस्ट्री में बीपीओ केपीओ में हमारे ऑडिट फर्म्स में इंडस्ट्री में कहीं पे भी सबकी उनकी जरूरत है। जो सीए नहीं हुए वो ज्यादा स्टेबल है। सीओ के लोग जंप मारते 2-3-5 साल के अंदर, सीए फाइनली की स्टेबिलिटी और उसका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, तो कोई उसमें वो नहीं है, बट ऑफकोर्स मेरी तो विश है सभी पास हो जाए, अच्छे से पास हो जाए। सीए के एवरेज क्या परसेंटेज पास होते हैं एवरी ईयर जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें से? अभी जो फाइनल का लास्ट रिजल्ट आया था उसमें दोनों ग्रुप पास होने वाले तकरीबन 12% थे। okay. और जो एक एक ग्रुप पास होके हुए थे तकरीबन 20-25% के बीच में सिंगल ग्रुप में। सो वन कैन इजीली से दैट वाज लेटेस्ट, ये थोड़ा अच्छा था और अभी ऐसे ही रहेगा। मोर एंड मोर अभी मतलब रिजल्ट लिबरल होने की जो पूरा जो कोर्स अभी रीडिजाइन हो रहा है अभी उसमें भी इट विल बी मोर यू नो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रिजल्ट विल बी मोर लिबरल। तो आपने रीडिजाइन की बात करी तो हालांकि ऐसा देखा जाता है कि टैक्सेशन दिन ब दिन सरल होता जा रहा है, तो क्या कोर्स भी थोड़ा सा सरल पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा और सरल हो गया है? नहीं, कोर्स सरल नहीं हुआ है बिकॉज वो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, पर हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से बहुत हो गए, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है IFRS करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑडिट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिकॉज क्या हुआ क्या पूरे दुनिया का ट्रस्ट ऑडिट के ऊपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा बारीकियां होती जा रही, जैसे एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि कोर्स मतलब सिंपल हुआ है, कोर्स जो जैसे पहले था ऐसे ही था, उसमें कोई फर्क नहीं है। टफ कोर्स है बट जैसे बोलते हैं इंडिया में अगर आपने एक टाइम सीए का कोर्स कर लिया, वर्ल्ड में आपको ऐसे और कोई कमर्शियल कोर्स नहीं जो आपको रोक सकता है। इंडिया के सीए बहुत सारे अब्रॉड भी है, 40% सीए अब्रॉड है, ऑल ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल। सुपर। तो नीलेश जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि तो प्लेसमेंट के बारे में कि क्या हेल्प मिलती है, क्या ICAI से कोई हेल्प मिलती है प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को, और हाउ शुड दे गो अबाउट यू नो लुकिंग फॉर वर्क वंस दे कंप्लीट द कोर्स? सी, एक तो जो अच्छी फर्म से जो आर्टिकलशिप कर रहे, हमारे जो बड़ी फर्म है या मिड साइज फर्म है जिसके जो रिनाउंड है, उनको तो प्लेसमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं, उनको मतलब वेदर दी इंडस्ट्री में सीए फर्म से उनको हो जाता है। बाकी जो बाय चांस समझो कोई छोटी फर्म से किए हुए हो और समझो कोई ऑफिसल एरिया से किए हो, उनके भी कैंपस प्लेसमेंट है। पहले कैंपस प्लेसमेंट का प्लेसमेंट कम होता था, बट लास्ट जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ ऑलमोस्ट 70% एब्जॉर्प्शन हो गया। तो बच्चे कहीं के भी हो, छोटी फर्म के हो, ऑफिसल एरिया के हो, तो ऑलमोस्ट 70% एब्जॉर्प्शन हो गया है। और बाय चांस नहीं भी हुआ तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा, जैसे हम कोई भी अच्छे लीगल काउंसिल के पास जाएं तो वहां पे थोड़े साल भी लोग काम करके फिर आगे लीगल लाइन में आगे बढ़ते हैं। आज समझो किसी ने छोटी फर्म से किया तो उसमें कोई मतलब कोई बुराई नहीं है, पर समझो प्लेसमेंट नहीं हुआ बाय चांस, समझो जैसे 20-30% जब मैं लोग बोल रहा हूँ, तो वो कोई सीए फर्म में ज्वाइन करके जो स्किल्स उसमें नहीं है, आज समझो किसी ने टैक्स में किया तो ऑडिट की स्किल्स कर ले या ड्यू डिलिजेंस की स्किल्स कर ले या इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो जो स्किल्स हैं वो डेवलप करके फिर उसको 2-3 साल के अंदर ऑल प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो कहीं भी आज कोई भी सीए बेरोजगार नहीं, वन ऑफ दी यू नो आज नीड बहुत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और इंडिया आज बहुत बढ़ने वाला है, इतनी ज्यादा नहीं और खाली इंडिया की नहीं, आज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी द अकाउंटेंट्स टू द वर्ल्ड। आज जो स्किल्स अपने में, अपने तो क्या है इंडिया में अपने ब्लड में है मैथमेटिक्स और अकाउंट्स वगैरह, तो और वर्ल्ड में नीड बहुत है। आज यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे वो लोग जितने प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना रहे हैं उससे ज्यादा उनकी नीड है, डिमांड है यूरोप वगैरह में। तो वी विल बी दी अकाउंटिंग यू नो अकाउंटिंग सप्लायर्स टू, अकाउंटिंग ऑडिट रिलेटेड फाइनेंस के जो अपने जितने फील्ड है
India will be the supplier to the world, and I think CA, you know, course will be one of the best among that. Oh, fabulous, fabulous. तो अगला सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अगर आपने सीए कर लिया तो क्या जरूरी है कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही प्रैक्टिस करिए, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लोगों ने सीए करके कुछ और भी किया है? हाँ, ऐसे सीए करके जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करें एम्प्लॉयमेंट में या कोई इंडस्ट्री में अकाउंटिंग फाइनेंस रोल में. एक सीए आपको एक ऑलराउंडर बनाता है, फिर आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हो. अब खाली एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे पीयूष गोयल जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, ये इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर सुरेश प्रभु जी पहले मिनिस्टर थे और वेरी एक्टिव वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है, ये इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो पॉलिटिक्स में हो गए. ऐसे और भी पॉलिटिशियन है, इमरान खान साहब हैं और तीन चार लोग हैं हमारे जो इसमें है. इसके अलावा आप कैपिटल मार्केट्स में देखिए तो भी वी जस्ट लॉस्ट अ वेरी डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो, रिस्पेक्टेड फिगर राकेश झुंझुनवाला जी, जो वॉरेन बुफे ऑफ इंडिया कहे जाते थे. वो बेसिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. जैसे आज इनाम ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप पहले माना जाता, अभी वो बड़े इन्वेस्टर हो गए, वल्लभ भाई बंसाली इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आज जेएम फाइनेंशियल ग्रुप है तो उसके हेड निमेश कंपनी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आज रियल एस्टेट के लाइन में आप हीरानंदानी कंस्ट्रक्शन का नाम सुना होगा, बॉम्बे और चेन्नई ये काफी जगह पे है, तो निरंजन हीरानंदानी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये तो बड़े लोग हुए. मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ, मेरे यहाँ पे एक लड़की थी साना काबरा, ब्रिलियंट गर्ल, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब उसने क्लियर कर लिया. जैसे ही खत्म हुआ मेरे पास आई, मैंने पूछा अभी आगे क्या करना है, तो बोले नीलेश भाई मेरे को अभी पेटिसियरी का कोर्स करना है, मेरे को आगे जाके पेस्ट्री बनाने का काम करना है. ओके. तो बहुत ब्रिलियंट लड़की थी, पर आज उसने, और ऐसे दो तीन लड़कियां, एक मेरा दोस्त है विराट मेहता, कल्याणी राम मिस्त्री का पार्टनर था, अभी रिटायर हो गए, उनकी लड़की भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बट वो पेस्ट्री मेकिंग के काम में है. तो जो आपने चुना सीए सभी चीजों में है, सभी लाइन में. हाँ, एक आज आप अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम सुना होगा, सबसे बड़ी देश की कंपनी है सीमेंट की, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर केसी जवर जी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Okay. आनंद राठी जी का नाम सुना होगा जो फाइनेंशियल सर्विस में, बहुत आनंद राठी वेल्थ लिस्टेड कंपनी है. एक टाइम में आज वो बिरला ग्रुप में वो काम करते थे, प्रेसिडेंट थे, मतलब एज अ मैनेजर से लेके वो बड़े लेवल पे पहुंचे. और सीमेंट में ही वॉज कंसिडर्ड टू बी नोइंग बेटर टेक्नोलॉजी ऑफ सीमेंट देन एन इंजीनियर. जब इन्होंने सीमेंट प्लांट डाले, राजश्री सीमेंट के मलखेड़ में डाले कर्नाटक में, और बिरला व्हाइट उन्होंने डाला जोधपुर के पास. तो जब भी उन्होंने प्लान डाला और उन्होंने जो नॉलेज, तो आप सीए बन गए, आप ऑलराउंडर बन गए, फिर जो भी चीज आप हाथ में लेते हो आप उसके डेप्थ पे जाते हो, तो देन यू बिकम बेटर देन पीपल इन दैट पर्टिकुलर, यू नो. सो दिस डिग्री गिव्स यू एन ऑलराउंड बेस, यू कैन डू व्हाट एवर यू वॉन्ट. आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि भाई एमबीए सीएफए, तो सीए करके बाद में आपको समझो कैपिटल मार्केट में जाना हो. हाँ. तो सीएफए अच्छी है, सीएफए थोड़ा ज्यादा फाइनेंस में जाता है. राइट. आपको इंडस्ट्री में जाना हो तो आप सीए करके एमबीए करो. तो सीए क्या है, वी हैव गॉट आई टू द डिटेल. एमबीए यू हैव गॉट अ हेलीकॉप्टर व्यू और अ ब्रॉड मैक्रो व्यू, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज वेरी गुड. आपको प्रैक्टिस में जाना हो तो सीए करके आप एलएलबी कर लो, तो थोड़ा और लीगल और दूसरे कायदों के आपको मतलब प्रैक्टिस के अंदर काम आएगी. तो ऐसे अलग अलग, तो ऑल द कोर्सेज आर गुड. एक अभी थोड़े बहुत फॉरेन के कोर्सेज इंडिया में बहुत प्रचलित हो गए हैं, सीपीए है या एसीसीए है, अच्छे कोर्सेज है. बट आपको इंडिया में रहना हो तो सीए इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी ऑफ दिस कोर्सेज. आपको फॉरेन जाना हो तो आप एसीसीए करो भले, या जो भी करो दिस थिंग, बट सीए करके भी वो एकदम ईजी हो जाता करने के लिए. आपको सीपीए करना हो फॉरेन जाने के लिए या एसीसीए करना हो, सीए कर लो तो दोज आर केक वॉक, मतलब एब्सोल्युटली केक वॉक. ये इतनी सारी आपने जानकारी हमें दी है, आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल बेनिफिट सो मच फ्रॉम इट. निलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, हमसे बात करने के लिए. आगे भी हम और प्रश्न हम बच्चों के आते जाएंगे, और जब भी हमें लगेगा तो हम आपको वापस हम अप्रोच करेंगे, हम वापस आपसे बात करेंगे. अब के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन अस. थैंक यू अर्षा जी, और आपको बहुत बहुत बधाई. बहुत अच्छा काम कर रहा है बच्चों के लिए, इतनी जानकारी बच्चों को मिल रही है एट यंग एज में थ्रू टेक्नोलॉजी आपके माध्यम से. सो आपको खूब खूब आभार. और एक ये भी है कि अगर आपको किसी के मेल आते हैं कोई भी जानकारी चाहिए ज्यादा, तो आई एम अवेलेबल ईमेल करके. अपने बात का आप लिस्ट डाउन कर लो, एक अपन सेशन कर सकते हैं किसी को ये प्रोग्राम के बाद में, और भी अगर कुछ किसी को जानकारी चाहिए तो आई एम अवेलेबल एंड वी कैन एक कंसोलिडेट करके एक अपन बात कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअल जवाब देने जैसे भी करने कर सकते हैं. तो आपको भी खूब खूब आभार फॉर टेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ दी लर्निंग प्रोजेक्ट, जो बच्चों के लिए बहुत ही यू नो असरकारक होगा. Yes.
यस, थैंक यू रमेश जी।